क्या है और किस कंडीशन में है। गाइस पूरा एलएमजी लग रहा है। देखो तो गाइस दो पीसेस देखिए मैंने जोड़ दिए हैं, ये देखिए दो पीसेस जोड़ दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ ऑर्डर कराया था अमेजोन से, तो वो मेरा ऑर्डर पार्सल अभी अभी पहुंचा है। तो डिलीवरी बॉय ने मुझे कॉल किया और मैंने अपना ऑर्डर ले आया, मैं पिक कर दिया मैंने अपना ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर के अंदर क्या है, कैसी कंडीशन में जो मैंने चीज़ मंगाई थी कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग पार्सल की। आइए तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है और किस कंडीशन में आया। और 10-15 दिन इस पार्सल को पहुंचने में लगे हैं, भारी भी लग रहा है काफी ज्यादा। ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि इसके अंदर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अनबॉक्स तो कर दिया है मैंने, काफी ज्यादा भारी है। गाइस पूरा एलएमजी लग रहा है, देखो रॉकेट लॉन्चर। ये है इसकी एसेसरीज इसके साथ जो मैंने मंगाया है, अभी हम इसको पूरा खोलते हैं। तो गाइस ये है, ये मैंने साइड टेबल मंगाया था अमेजोन से, तो अभी इसको हम पूरा खोलेंगे। एसेसरीज तो हमने निकाल दी, आपने देख लिया भाई, इसको फोड़ने में तो काफी ज्यादा मजा आता है। ये देखो बचपन में तो हम इसके पीछे दौड़ते थे, जिस जगह ये मिलता था उस जगह हम ये पटाखे फोड़ते थे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, जल्दी इसमें अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस अनबॉक्स हो चुका है और ये देखिए इसके साथ मैनुअल भी साथ में आया है, पूरा कैसे इसको फिट करना है। और इसकी कंडीशन भी काफी अच्छी है, अच्छी कंडीशन में आया है और भारी लग रहा था काफी ज्यादा, मगर इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, काफी ज्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो गाइज अभी हम इसको जोड़ेंगे, हर पीस को हम इसको जोड़ेंगे, उसके बाद देखते हैं इसकी शेप कैसी आएगी। तो गाइज अभी हम इसको पूरा इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड भी लिखा हुआ है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और वहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसको कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। तो गाइज मैं अभी स्टार्ट करूँगा इसको पूरा असेंबल करने की, ट्राई करूँगा पूरा असेंबल करने की, देखते हैं हमसे होता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज है, फुल दिखाता हूँ क्या क्या साथ में है, इसको क्या करना है पूरा मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए गाइज इसके साथ ये स्क्रूज साथ में हैं और ये देखना ये साइड के पीसेस हैं ये और ये। अभी हम इसको पूरा असेंबल करेंगे, मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसे असेंबल करूंगा मैं इसको, ट्राई करूंगा अपना बेस्ट दूंगा, देखते हैं मुझसे असेंबल होता है कि नहीं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग में। तो गाइज मेरे साथ दो स्क्रू ड्राइवर हैं जिससे हमें इसको पूरा असेंबल करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं पहले इसको हाथ से पूरा फिट करूंगा क्योंकि ये आराम से हाथ से फिट होता है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको मैं टाइट करूंगा। पहले ये चार पीसेस में इसमें लगा दूंगा। तो गाइस दो पीसेस मैंने अभी जोड़ दिए हैं, अभी मैं तीसरे पीस में लगा हूँ, देखते हैं इसको अब कैसे जोड़ेंगे हम। ट्राई तो कर रहा हूँ, 5 से 10 मिनट हो गए अभी तक इसको जोड़ने में।
गाइस दो पीसेस तो मैंने जोड़ दिए थे मगर ये टेढ़े जुड़ गए। अब मुझे इसको दोबारा से खोलना पड़ रहा है, दोबारा से इसको जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए इसके ये पीसेस खोलने पड़ेंगे मगर इसको मैं पूरा असेंबल करके ही रहूंगा, तब तक छोड़ूंगा नहीं इसको। अब हम जोड़ेंगे ये वाला पीस। तो गाइज दो पीसेस देखिए मैंने जोड़ दिए हैं, ये देखिए दो पीसेस जोड़ दिए हैं। अब इसका तीसरा पीस अभी हमने जोड़ना है, ये देखिए हाँ ये वाला जोड़ना है हमने अभी इसमें। हाँ बिल्कुल यही है, यही है, यही है, यही है, इसी को हम जोड़ेंगे। तो गाइस स्टैंड हो चुका है तैयार, आप देख सकते हैं स्टैंड को, ये देखिए। और मैंने खुद से इसको असेंबल किया है, पूरी वीडियो में मैंने दिखाया है कैसे मैंने असेंबल किया इसको। तो अभी छोटी मोटी चीजें अभी लगानी है इसमें, चलिए वो भी लगा ही देते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ स्क्रूज कैसे आए थे, ये देखिए कैसे आए थे, मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। और पहली बार मैंने ऐसे स्क्रूज जोड़े हैं, ये देखिए पूरा इनको टाइट करेंगे। अभी प्लास्टिक के ये छोटे छोटे पीसेस हैं जो नीचे से हम इसको लगाएंगे, अभी चलिए इनको भी जोड़ ही देते हैं। तो गाइस ये पूरा असेंबल हो चुका है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसा दिखता है। और ये मैंने मंगाया था बुक्स रखने के लिए मंगाया था मैंने, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आइटम है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, अमेज़ॉन से मंगाया मैंने। तो गाइज मैंने इस व्लॉग में पूरा दिखा दिया कि मैंने अमेज़ॉन से एक ऑर्डर करवाया था, उसकी अनबॉक्सिंग भी इस व्लॉग में की है और उसका असेंबल भी मैंने खुद से किया है। इस व्लॉग में मैंने पूरा दिखाया है, वो मैंने साइड टेबल मंगाया था बुक्स के लिए। आई होप आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करते होंगे, अगर आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे सब व्लॉग्स देखें। मैंने हर दिन का व्लॉग अपलोड किया है, जहां मैं ट्रेवल करता हूं वहां का भी मेरा व्लॉग है, जहां जहां मैं जाता हूं वहां का व्लॉग है, हर दिन का मेरा व्लॉग आता है। मैं डेली लाइफ में क्या करता हूँ उसका भी व्लॉग है। क्या है कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो डिपेंड होते हैं मेरी डेली लाइफ पे, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, घर में क्या करता हूँ, सब मेरी डेली लाइफ व्लॉग्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँ मैं यूट्यूब पर और मैं बहुत सारी जगहों पे घूमने जाऊँ जहाँ की ब्यूटी और सीनरीज मैं आपको दिखाऊँ। तो आई होप आप इन व्लॉग्स को पसंद करते होंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।